महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 483 नए मामले सामने आए हैं और 317 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के कारण 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। अभी महाराष्ट्र में एक्टिव केस संख्या 2506 है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। भारत में सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सोमवार से रातों रात मामले दोगुने हो गए हैं। क्यों बढ़ रहे हैं मामले? ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XBB.1.16 के कारण नए कोविड मामलों में उछाल आया है। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामले में बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनता से एहतियाती खुराक लेने की अपील की है। पूरे महाराष्ट्र में 17.5 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। हालांकि अब तक 1 करोड़ से भी कम लोगों ने बूस्टर शॉट्स लिए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार डॉक्टर सचिन देसाई महाराष्ट्र टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों ने बार बार विभिन्न आयु समूह के लोगों से टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने का आग्रह किया है। वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने की अपील। 18 से 59 आयु वर्ग में 4.7 करोड़ की लक्ष्य आबादी में से केवल 11% ने एहतियाती खुराक ली है, जबकि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में 1.1 करोड़ की लक्ष्य आबादी के 30% को बूस्टर शॉट्स मिले हैं। वर्तमान में सरकारी केंद्रों में कोवैक्सीन वैक्सीन की 1 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध है। मांग में कमी के कारण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन बंद कर दिया गया था। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि वो कॉर्बेवैक्स के प्रशासन के संबंध में केंद्र से मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे वयस्कों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है, जिन्हें कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन के साथ टीका लगाया गया है।